अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, चुनाव प्रचार भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन जानना चाहते हैं कि इस समय जो नेता है उनकी क्या राय है, क्या उनकी सोच है। हमारे साथ मौजूद है वसई विरार के पूर्व महापौर रुपेश यादव, जानते हैं क्या इनके विचार हैं। नमस्कार दादा। अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से शोर थम चुका है, कल वोटिंग होनी है, क्या आपको लगता है, क्या कहना है? ये देखो, एक तो ये जो पालघर जिला है, इसमें जो हम लोगों ने उम्मीदवार जो दिया है आपा ने, वो राजेश पाटिल जी है और यहाँ का लोकल है। वो पंचायत समिति में सभापति थे, जिला परिषद में सदस्य थे, बहुत से बैंक में डायरेक्टर है और सबके मन में मिलाव करने वाला हमारा उम्मीदवार है। जो बोईसर मतदार संघ का जब टिकट दिया तो राजेश पाटिल बहुमत से चुन के आए वहाँ पे। इसके लिए आमदार साहब ने अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने जब कि 6-7 उम्मीदवार हमारे थे, उन्होंने सबने बोला राजेश पाटिल डिक्लेयर करो, तो एक नज़र में अपन ने राजेश पाटिल को डिक्लेयर किया है। और हम जैसे कार्यकर्ते, हम लोगों को लगता है कि हम ही खुद खड़े हैं इलेक्शन में, इस हिसाब से सब काम किया है। और आपको मालूम है हमारा डोर टू डोर प्रचार चालू है, हम सभा विभा कुछ नहीं लेते। हमारे आप जहाँ पे भी राउंड मारेंगे वहाँ पे बिल्डिंग में चाली में बताएंगे, यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता बोलो, नगर सेवक सब पहुँचे। आप दूसरे जगह पे देखते हैं तो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ योगी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं। आप सोचिए, हम निर्दलीय है, हम अपक्ष है और ये लोगों ने इतना ताकत लगाया, उससे ही समझने का कि इनकी क्या हालत है। मतलब ये कि आपने इशारों इशारों में बात करी थी कि हम एक छोटी पार्टी जिसको अपक्ष बोला जा रहा है, अपक्ष होने के बावजूद यहाँ इतनी ताकत लगाई जा रही है, इसका मतलब ग्राउंड पर कहीं ना कहीं ताकत ज़्यादा है। ग्राउंड पे हमारे 109 नगर सेवक और जो वार्ड में हमारे समझो 115 है, उसमें जो हमारे कार्यकर्ते हर जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं। अभी आप सब जगह पे जाएंगे तो कोई स्लिप दे रहा होगा, कोई क्या मतलब सबको बोलता होगा घर घर जाके कि बाबा कल आपको वोटिंग करने का है। तो ये पूरी एरिया में पूरे सिस्टम हम लोगों का काम है, क्योंकि आपको मालूम है ये वसई तालुके में हर जगह पे हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते दिखेंगे और वो 12 महीने आपको दिखेंगे, ऐसे इलेक्शन आने के टाइम पे नहीं। पालघर जिले में वसई विरार एक बड़ा क्षेत्र है और वसई विरार में मतदार संख्या ज़्यादा है बनिस्पत दूसरे तहसील के, लेकिन फिर भी दूसरे तहसील को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहाँ की आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह की, वहाँ आकर आपका प्रचार प्रसार कैसा रहा? वहाँ पे कैसे, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य है, जिला परिषद के सदस्य है, बोईसर मतदार संघ तो हमारे राजेश पाटिल जी का ही है और आपा ने बहुत जन को सपोर्ट किया है। कोई भी विवाह कॉलेज में एडमिशन लेने दो या कोई भी काम होगा तो आपा ने कभी देखा नहीं कि ये कौन से कोने से आया, उनको सपोर्ट किया, तो वो उसका बेनिफिट हमको जरूर मिलने वाला है। और राजेश पाटिल हर जगह पे पहुंच रहे हैं, सब जगह पे जाते हैं, इसके लिए हमारा उम्मीदवार भी बहुत तगड़ा है और हमारे जैसा यंग है, इसके लिए हम लोग जरा भी डरे हुए नहीं है। हम लोग का ये जो सीट है, आपको भी सर्वे में दिखाया होगा कि ये सीट हमारा निकल रही है और अच्छे मार्जिन से नीचे निकल रही है। आपने दावा तो कर दिया कि सीट निकल रही है, लेकिन फिर भी आप अगर आह्वान करना चाहें अपने मतदाता, तो क्या आह्वान करेंगे? मैं सबको हाथ जोड़ के विनती है करता हूँ कि देखो, जब 10 साल पहले अपना MP था खड़ा, तो हमारा महानगर पालिका का बजट 3,000-3,500 करोड़ का था, वो सीधा 1,800 करोड़ पे 1,700 करोड़ पे आया। तो 10 साल में एक भी काम हुआ नहीं है, खासदार ने एक रुपया भी दिया नहीं, इसके लिए उनको टिकट भी नहीं दिया। तो 10 साल ये हालत लोगों की है। अपना जब MP रहेगा तो अपने यहाँ का विकास होता है, जो बड़े बड़े निधि रहते केंद्र से वो अपना MP लाते हैं, तो इसके लिए अपना MP ये इम्पोर्टेंट है। आप भले कहाँ से भी आए होंगे, आपने को रहने का इधर, अपने बच्चे लोग का परिवार सब अपन इधर रहते, तो अपने को वसई तालुका पालघर जिला देखने गए, तो ये लोगों ने अगर अच्छे से सोचा तो अपने को मालूम है हमारा जीत पक्की है। और मेरे को मालूम है इधर के लोगों का विश्वास है, 10 साल पहले का जो हवा थी वो अलग थी, अभी की हवा अलग है। इसके लिए इनको गलत प्रचार करना पड़ता है, हमारे मुसलमान बांधव है, हमारे क्रिश्चियन बांधव है, दलित है, और हर जगह पे जाके अलग मैसेज दे रहे, क्या देने की जरूरत है? लोगों को मालूम है सुख दुख में लोग नेते हितेंद्र ठाकुर ही खड़ा है सबके। ये इंटरव्यू खत्म करना चाहेंगे, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि आपका मुख्य मुकाबला आप किससे मानते हैं, महायुति या महाविकास आघाड़ी? हम मुकाबला किसका मानते नहीं, इतना ही मानते कि फर्स्ट नंबर पे राजेश पाटिल रहेगा, एक नंबर पे बाकी सब 2-3 पे जाएंगे। तो ये हम बात कर रहे थे माजी महापौर रुपेश यादव से, किस तरह से इन्होंने अपनी जीत का दावा किया। अब आने वाले 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है,
तो वो आगे कहाँ तक वो जाएगा ये देखा जाएगा आने वाले समय में। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।